खबर झांसी के बरुआ सागर से है, जहां झांसी एसएसपी राजेश एस बरुआ सागर थाने का आकस्मिक निरीक्षण करने पहुंचे। प्रभारी थाना प्रभारी एएसपी अंतरिक्ष जैन द्वारा थाने का सुंदरीकरण कराए जाने का निरीक्षण करते हुए अभिलेखों सहित मालखाना बैरक सहित अन्य बिंदुओं पर निरीक्षण किया। एसएसपी ने थाने के सुंदरीकरण पर संतोष जाहिर करते हुए कहा कि थाना परिसर की साफ सफाई सहित माल निस्तारण पर विशेष ध्यान दिया जाना चाहिए। एसएसपी राजेश एस ने प्रशिक्षु आईपीएस अंतरिक्ष जैन के कार्यकाल की सराहना करते हुए कहा कि उनके कार्यकाल में बरुआ सागर पुलिस ने 5 माह पूर्व हुए पुजारी हत्याकांड का सफल खुलासा करते हुए आरोपियों की गिरफ्तारी की है, जिस पर एसएसपी राजेश एस ने एएसपी अंतरिक्ष जैन सहित पूरी टीम को प्रशस्ति पत्र प्रदान किए जाने की बात कही। एएसपी अंतरिक्ष जैन की कार्यशैली की प्रशंसा करते हुए बताया कि प्रशिक्षण कार्यकाल में आईपीएस ने जनता से मधुर व्यवहार के साथ फरियादियों पीड़ितों को न्याय दिलाने में अहम भूमिका निभाई है। सर, आपके द्वारा बरुआ सागर थाने का निरीक्षण किया गया, क्या किन बिंदुओं पर निरीक्षण किया गया? आज झांसी जनपद में मेरे द्वारा बरुआ सागर थाने का आकस्मिक निरीक्षण किया जा रहा है। अब यहाँ पे एएसपी अंडर ट्रेनिंग जो थानाध्यक्ष के रूप में काम कर रहे थे अंतरिक्ष जैन, उनका कार्यकाल में क्या क्या बदलाव आया है, किस तरह से उन्होंने मालखाना का कुछ चेंजेस किया है और थाना में जो कुछ मरम्मत कार्य किया गया उसको लेके, और अभी आगामी जो काउंटिंग का हमारा है उसको 4 तारीख को है, चुनाव का जो काउंटिंग का है उसको लेके क्षेत्र में काउंटिंग के बाद शाम के समय में किस तरह का सुरक्षा रखी जाएगी, इस बिंदु को भी चर्चा करने के लिए मैं यहाँ पे आया हूँ। अब जैसे मैंने पूरा भी निरीक्षण किया है, मालखाना से लेके कार्यालय परिसर और हर चीज़ में बहुत बदलाव आया है, बहुत अच्छा काम किया गया इनके द्वारा, तो मैं पूरा थाना जो कर्मचारी लोगों को भी अभी मीटिंग लूँगा और इन लोगों को भी समस्या मैं सुन लूँगा। अदरवाइज़ जो पिछले कुछ महीनों में इनका कार्यकाल में अच्छा कार्य किया गया उसको तारीफ की कर रहा हूँ और बधाई के लिए मैं अलग से इन सबको एक मीटिंग भी रखूँगा। सर, पुजारी हत्याकांड में 5 महीने हो गए थे, आईपीएस साहब ने, प्रशिक्षु आईपीएस ने खोला, क्या कहेंगे इसके बारे में? हाँ, जो एक पुजारी का हत्या हो गई थी जिसमें काफ़ी मेहनत करने के बाद भी क्लू नहीं मिल रही थी, तो प्रशिक्षु आईपीएस जब ज्वाइन किए थे, ज्वाइन करने के बाद इनके द्वारा अच्छा मेहनत करके उस घटना का खुलासा किया, उसके लिए अलग से सभी लोगों को जो टीम में काम किए सभी लोगों को इनाम भी दिया जा रहा है और प्रशिक्षु आईपीएस साहब को अलग से प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा।